एक्सेल शीट में तो अलाइनमेंट समझ में आती है, लेकिन गूगल शीट में अलाइनमेंट का क्या, गूगल शीट में क्या शॉर्टकट की हो सकती है अलाइनमेंट की, आइए उसको देखेंगे। यहां पर देख सकते हैं ये गूगल शीट ओपन है और ये बाय डिफॉल्ट जो राम लिखा हुआ है वो किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, तो इसको क्या राइट साइड लेके जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो कैसे लेके जाएंगे, एक बार इसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर मैं इसे एक डिफरेंट कलर यहां से प्रोवाइड कर दे रहा हूं ताकि देखने में आसानी हो आपको। तो ये देखिए, ये वो टेक्स्ट है जिसे हमें राइट अलाइन करना है, तो राइट अलाइन करने के लिए आपको शॉर्टकट की क्या प्रेस करना होगा। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल के साथ आर प्रेस करने से राइट अलाइन हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस किया तो ये गायब हो गया, तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूं ताकि ये अंडो हो जाए। अब हम आपको बताते हैं कि शॉर्टकट की क्या होगी। राइट अलाइन अगर आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर प्रेस कीजिए, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये राइट में मूव कर जाएगा। अगर आपको लेफ्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल कीजिए तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, और अगर आपको सेंटर लेके आना है, अगर आपको सेंटर लेके आना है तो सेंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कीजिएगा, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी शॉर्टकट की है। अगर आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं टॉप पर, यहां पर आपको प्रेस करना है अल्ट शिफ्ट और वन, तो अल्ट शिफ्ट वन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में बॉर्डर लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहां पर ऊपर वाला जो टॉप में बॉर्डर लग गया है। अगर मैं अल्ट शिफ्ट टू करता हूं तब क्या होगा, एक बार चेक करते हैं अल्ट शिफ्ट टू। तो जैसे ही अल्ट शिफ्ट टू किया तो यहां पर देख सकते हैं कि किस साइड में बॉर्डर आ गया, राइट साइड में बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब अल्ट शिफ्ट थ्री करते हैं, अल्ट शिफ्ट थ्री, तो ये अल्ट शिफ्ट थ्री किया तो देखिए डाउन बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं अल्ट शिफ्ट फोर करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये बॉर्डर लग गया, यानी कि लेफ्ट में भी बॉर्डर लग गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ये शॉर्टकट की समझ में आई होगी। लेकिन यही चीज अगर आपको एक्सेल में करनी हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आ सकती है आपको, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एक्सेल में ये काम करने में, ठीक है। तो एक्सेल में एक बार देख लेते हैं कि ये बॉर्डर हम कैसे बनाएंगे। तो जब भी बॉर्डर बनाने की बात आती है तो आपको क्या प्रेस करना है, जैसा कि कल मैंने बताया था अल्ट एच बी। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं वी आर इंडियन, ठीक है। तो यहां लिख दिया वी आर इंडियन, और अब मैं इसको रिसाइज पहले कर देता हूं, तो अल्ट एच ओ आई से रिसाइज हो जाएगा, क्लियर। तो ये रिसाइज हो गया, लेकिन अब हमें बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर कैसे लगेगा, अल्ट एच बी प्रेस किया। अब यहां पर बॉर्डर वाला पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो आउटसाइड लगा सकते हैं, थिक बॉर्डर लगाना है थिक बॉर्डर लगा सकते हैं। थिक बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, खाली टी प्रेस करेंगे, टी, तो खाली टी प्रेस कर दीजिए, ये थिक बॉर्डर लग गया, लग गया ना, गाढ़ा बॉर्डर लग गया, पूरा डार्क में लग गया, ठीक है। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं लाइक अल्ट एच बी करता हूं तो यहां पे देखेंगे बॉटम बॉर्डर चाहिए तो यहां पे बॉटम लगा सकते हैं, ओ प्रेस करके खाली टॉप बॉर्डर चाहिए तो टॉप लगा सकते हैं, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए लेफ्ट लगा सकते हैं, कुछ भी इस तरह का। यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज दी गई है, यहां से आप लगा सकते हैं। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। Thank you for watching this video.